नमस्कार दोस्तों, आज मैं महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में दोस्तों बात कर रहा हूँ। महाराणा प्रताप जी ने राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का गौरव बढ़ाया दोस्तों। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज महाराणा प्रताप जी की। एक बात आती है कि उन्होंने महाराणा प्रताप जी ने अकबर को पाती लिखी थी या नहीं लिखी थी, इस बात पर दोस्तों विवाद चलता है। तो इस बात पर मैं बात करने आया हूँ दोस्तों। पीथल और पार्थल की लेखक है कन्हैयालाल सेठिया दोस्तों। कोई गलती हो जाए तो दोस्तों क्षमा करना इसके लिए, फिर भी मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो सुनो पीथल और पाथल की बातें दोस्तों। अरे घासरी रोटी ही जद वन विलावड़ो ले भाज्यो, अरे घासरी रोटी ही जद वन विलावड़ो ले भाज्यो, नन्नो सो अमरो चीख पड़ियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो जद। जब महाराणा प्रताप घोर जंगलों में भटक रहे थे दोस्तों, उस समय की बात है कि महाराणा प्रताप के पास खाने के लिए भोजन भी नहीं था दोस्तों, तब की ये बात है दोस्तों। तो अब आगे की कहानी सुनो दोस्तों। हूं लड़ियो घणो, महाराणा प्रताप कह रहे हैं, हूं लड़ियो घणो हूं सेयो घणो मेवाड़ी आण बचावण ने, हूं लड़ियो घणो हूं सेयो घणो मेवाड़ी आण बचावण ने, हूं मैं पाछ नहीं राखी रण में बैरियां रो खून बहावण में, हूं पाछ नहीं राखी रण में बैरियां रो खून बहावण में, ठीक है दोस्तों। जब याद करूं हल्दी घाटी नैणा में रक्त उतर आवे दोस्तों, सुना होगा आपने। सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हुक जगा जावे। यानी कि महाराणा प्रताप के उस हल्दी घाटी युद्ध की बात कर रहे हैं, और जब चेतक उनसे बिछड़ गया था, मृत्यु हो गई थी, चेतक का बलिदान हो गया था, उस बात को बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। दुख हो रहा है, व्यक्त हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और देखो, पण आज बिलकते देखूं उस राजकंवर ने रोटी ने तो क्षत्रिय धर्म को भूलूं हिंदवाणी चोटी ने, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप, जिन्हें हिंदू सूरज कहा जाता है, जिन्हें अपने हिंदुस्तान के अंदर सबसे महान माना जाता है दोस्तों, बलिदान के रूप में गौरव माना जाता है दोस्तों, ये सब आप जानते हो दोस्तों। अब सुनो आगे। आ सोच हुई तो टूक तड़क राणारी भीम भरी छाती आंखों में आंसू भर बोलिया, हूं लिख सू अकबर ने पाती। देखो दोस्तों, अब जो इस पे विवाद चलता है उसकी बात करते हैं, फिर मैं आपको आगे ये सुनाऊंगा दोस्तों। तो पीथल और पाथल की वो पंक्तियां दोस्तों, ये तस्वीर आप देख रहे हो दोस्तों, ये तस्वीर उस समय की है जो दिखाई देती है दोस्तों। बीकानेर के राजघराने से आपको ये पुस्तक, ये तस्वीर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, तो ये तस्वीर उसी समय की है कि उस समय वो पाती लिख रहे थे दोस्तों, ठीक है। आप देख पा रहे हो तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, तो ये यहां से ये जानकारी मिलती है बीकानेर राजघराने के केंद्रीय सत्ता से संबंध में दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब देखो, जब चिट्ठी लिखते हैं तब आगे क्या होता है दोस्तों, आगे की कहानी सुनना, बड़ी ही रोचक तथ्य है दोस्तों, ये यादगार तथ्य है, और महाराणा प्रताप जी को इसीलिए जी लगाते हैं सभी, गौरव कहते हैं दोस्तों। तो आप आगे सुनना दोस्तों, आगे क्या है तो सुनो। अब जब चिट्ठी वहां पहुंचती है फिर क्या होता है, राणा के कागज बांच हुयो, मतलब अकबर तो आपको पता है कि उसको तो पढ़ना ही आता था, तो वो कागज बचवाता है। राणा रो कागज बांच हुयो, अकबर रो सपनो साचो हुयो। यानी कि अकबर को लगता है कि मेरा सपना सच्चा हो गया है, ठीक है, पर नैन कार्य विश्वास नहीं, खुद पर कार्य पर विश्वास नहीं अकबर पर, जल्दी बांच न फिर बांचो, यानी कि बार बार बांचवाते हैं, ठीक है, कि सही बांचो। महाराणा प्रताप की ही है चिट्ठी या किसी और की है दोस्तों, विश्वास को नहीं हुआ अकबर ने, ठीक है दोस्तों। अब सुनो आगे। बस दूत इशारो पा भेजियो दोस्तों, ठीक है। पीथल ने तुरंत बुलावण ने किरणारो पीथल आप उग्यो अकबर रो भरम मिटावण ने दोस्तों। अब सुनो यहां पर, आपको पता है पूरे राजपुताने में पीथल जो थे बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों, आपने सुना होगा, तो वो ये कहते थे कि पूरे राजपुताने में महाराणा प्रताप ही हैं जो अकबर को टक्कर दे सकते हैं, तो इस बात पे अपनी मूछों को ताव दिया करते थे दोस्तों। तो अब अकबर आज बड़ा खुश हो रहा है और वो कह रहा है तुरंत किसको बुलाओ, कि पीथल को बुलाओ और दिखाओ ये चिट्ठी, देखो आज महाराणा प्रताप भी हमारे सामने झुकने के लिए तैयार है। तो इस तरह से बुलाते हैं दोस्तों, वो बात कर रहा हूं मैं, समझो। अब देखो आगे। मैं बांध लियो, अब जैसे ही पीथल आते हैं अकबर रो भरम मिटावण ने, अब आगे सुनो। मैं बांध लियो पीथल को कह रहे अकबर, मैं हूं बांध लियो पीथल सुन
पिंजरा में जंगली शेर पकड़, जंगली शेर महाराणा प्रताप को कह रहे हैं दोस्तों, जंगली शेर, ठीक है, शेर पकड़, यो देख हाथ रो कागज, यो देख हाथ रो कागज, तू देख फिर सी किया अकड़। ठीक है दोस्तों, हाथ में लिया हुआ कागज दिखाता है और फिर कहता है कि ये कागज देख दोस्तों, ठीक है, इस तरह से। ओके दोस्तों, हां जी, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी पूरी दोस्तों। अब देखो, हूं आज पातश्या धरती रो, हूं आज पातश्या धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है, मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मने, अब बता मने, अब बता मने, किन रजवट में, यानी कि पूरे राजपूताने में, राजपूती खून रगा में है, राजपूती खून रगा में है दोस्तों, आ बात लिखा है, ठीक है। अब आगे सुनो, अब पीथल कागत ले देखी, पीथल कागत लेकर देखता है, ऐसे पढ़ता है और फिर देखता है दोस्तों, फिर क्या कहता है, पीथल कागत ले देखी, राणारी सगी सेनानी, राणारी सगी सेनानी, नीचे सुन धरती खिसक गई, नीचे सुन धरती खिसक गई, आंख्या में भर आयो पानी, आंख्या में भर आयो पानी, ठीक है, पण फिर अपने आप को संभालेंगे दोस्तों, पण फेर कहीं तत्काल संभल, पण फेर कहीं तत्काल संभल, आ बात सफा ही झूठी है, आ बात सफा ही झूठी है, इस तरह से बोलते हैं, राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आन अटूटी है, राणारी आन अटूटी है, इस तरह से बोलते हैं दोस्तों कि राणा की पगड़ी हमेशा ऊंची रही है और उनकी शान जो आन बान शान है वो हमेशा अटूट है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से कहते हैं। तो आगे फिर क्या लिखते हैं, आगे सुनो क्या कहते हैं, अपने आप को संभालते हैं और फिर लिखते हैं, जो हुक्म होए तो, जो हुक्म होए तो लिख पूछूं, जो हुक्म होए तो लिख पूछूं, राणा रे कागत रे खातर, राणा रे कागत रे खातर, ठीक है दोस्तों, अगर थारो हुक्म होए तो मैं पूछ लियूं, मैंने ले पूछ भला ही पीथल तू, ले पूछ भला ही पीथल तू, ये अकबर कह रहे हैं दोस्तों, ले पूछ भला ही पीथल तू, आ बात सब सथा सही है, बोलियो अकबर की आ बात सही है, अब ठीक बोलने लग रहे हो, तो ठीक कवे तो पूछ ले, मैं आज सुनी है नाहरियो, अब लिख के भेज रही है कलम के माध्यम से दोस्तों, देखना ध्यान से सुनना, मैं आज सुनियो है नाहरियो, स्याला रे सागे सोवे लो, पीथल बहुत गजब लाइन लिखते हैं दोस्तों, मैं आज सुनी है सूरज डो बादला री ओटा में खोवे लो, यानी कि मैंने आज सुना है कि जो सूरज है वो बादलों के ओटों में खो जाओगे, और मैंने आज सुना है कि जो नाहर है वो गीदड़ों के साथ में आके सोएगा, इस तरह से दोस्तों बातें होती हैं, ठीक है दोस्तों, लिख के भेजते हैं। अब जैसे ये जो पत्र है ये महाराणा प्रताप के पास जाएगा दोस्तों, फिर आगे क्या होगा वो देखिए ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात दोस्तों, पीथल री आंखें पढ़ते ही, यानी कि जो आखर लिखे हुए हैं उसको पढ़ते ही, राणारी आंखें लाल हुई, राणारी आंखें लाल हुई, ठीक है दोस्तों, हाँ, धिक्कार मने, महाराणा प्रताप कह रहे हैं कि धिक्कार है मुझे, ठीक है, धिक्कार मने कायर हूं नाहर की एक दकाल हुई दोस्तों, इस तरह से महाराणा प्रताप बोले आगे, हूं भूख मरूं, अब क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, हूं भूख मरूं हूं प्यास मरूं, हूं भूख मरूं हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूं घोर उजाड़ में भटकूं हूं, हूं घोर उजाड़ में भटकूं हूं, पण मन में मेरी मारी याद रहे, यानी कि मेवाड़ को धरती माता की याद रहे दोस्तों, ये बात कहते हैं, चाहे मैं भूख मरूं चाहे प्यास मरूं, पीथल की खिमता, पीथल री खिमता बादल री जो रोक सके सु उगाली ने, सिंहारी हाथल सह लेवे, सिंहरी हालत हाथल सह लेवे, वाकूख किसी है स्याली के, यानी कि गीदड़ की बात हो रही है, ऐसा कौन है जो मतलब रोक सके महाराणा प्रताप को, ये सारी बातें हो रही है, ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें अब दोबारा पहुंचती है, और इसको पढ़कर दोस्तों आपको पता है कि पीथल का पृथ्वीराज राठौड़ का सीना चौड़ा हो जाता है, और फिर वो अकबर को बताते हैं कि देखो ये तो झूठी थी सारी बातें, महाराणा प्रताप ने अपना उत्तर लिख भेजा है दोस्तों, इस तरह से ये बात होती है। जब अकबर इसको दोबारा सुनता है तो फिर वो बस सब कुछ मिट जाता है, उसका कुछ मन में नहीं रहता, जो वो चाहता था वो होता नहीं है दोस्तों। अब आगे सुनो, जद राणा रो संदेश गयो, जद राणा रो संदेश गयो, पीथल री छाती दूणी है, पीथल री छाती दूणी है, हिंदवाणो सूरज चमक रहे हो, हिंदवाणो सूरज चमक रहे हो, अकबर री दुनिया सुनी है, अकबर री दुनिया सुनी है दोस्तों, इस तरह से ये सारी बातें हैं दोस्तों। और कर्नल जेम्स टॉड जी ने अपने इस किताब में इसके बारे में लिखा है दोस्तों। तो इतिहास की ये कुछ बातें मैंने आपको एक प्रूफ भी दिखाया दोस्तों चित्र के माध्यम से, तो आप सब ये बात समझ गए होंगे दोस्तों। ओके है, तो आज महाराणा प्रताप पर ये विशेष बात थी जो मैंने आपको बताई दोस्तों, धन्यवाद। ओके दोस्तों।